अस्सलाम वालेकुम फ्रेश इंजीनियर्स, आज हम आपको एक बेसिक नॉलेज देंगे स्टैंडर्ड साइज जो होता है ब्रिक का, उसके बारे में, जिसको हम मॉडुलर ब्रिक भी कहते हैं और एक है नॉन मॉडुलर ब्रिक। नॉन मॉडुलर ब्रिक उसे कहते हैं जो हमारे इलाके में इस्तेमाल होती है। मॉडुलर स्टैंडर्ड जो ब्रिक है ये इंटरनेशनल लेवल की है, और जो नॉन मॉडुलर इसको मॉडुलर भी कहते हैं, और जो नॉन मॉडुलर है ये हमारे जो बड़े सगीर में या किसी भी इलाके में जो ब्रिक इस्तेमाल होती है उसको नॉन मॉडुलर कहते हैं। चलें पहले देखते हैं हम स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, जिसको के मॉडुलर ब्रिक कहते हैं। इसका स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हमारा ये जो इसकी लेंथ होती है ब्रिक, इसको कहते हैं स्ट्रेचर। इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो इसकी ये है हाइट, हाइट या थिकनेस, अच्छा। और इसके अलावा होता है एक हेडर। हेडर क्या होता है? ये वाली जो है ये हेडर है। ये अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है स्ट्रेचर में और हेडर में क्या फ़र्क है, तो ये आप बता सकते हैं। स्ट्रेचर लंबाई को कहते हैं, हेडर विड्थ को कहते हैं, और हाइट और थिकनेस। अच्छा, अब इसका स्टैंडर्ड साइज़ की तरफ अगर आएँ तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो इसका होता है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। और इसका हेडर जो होता है ये होता है 9 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट या थिकनेस भी जो है ये भी 9 सेंटीमीटर है। ये होगी हमारी मॉडुलर ब्रिक या स्टैंडर्ड साइज ब्रिक। अब हम इसका देखते हैं कि अच्छा, अगर इसको हमने इंचेस में लेना हो तो उसके लिए ये है कि इसका जो एक सिंपल फार्मूला है कि एक इंच में हमारे होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ये एक कॉमन सा फार्मूला है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर इसको आपने इंचेस में लेके जाना है तो ये 19 डिवाइडेड बाय 2.54, तो ये हमारा आ जाएगा जो स्टैंडर्ड है 7.42 इंचेस। इसी तरह जो ये 9 सेंटीमीटर है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2.54 से तो ये हमारा आ जाएगा 3.54। ये भी हमारा 3.54 इंच। तो ये तो हो गया इंच और सेंटीमीटर में। अब जो हमारे नॉन मॉडुलर ब्रिक्स हैं जो हमारे इलाके में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में जो है, उसका साइज़ जो है वो ये जो स्ट्रक्चर का साइज़ है वो 9 इंच होता है। 9 इंच का मतलब है 22.86 सेंटीमीटर। इसी तरह जो इसका जो थिकनेस होती है वो 7.6 3 इंच, और 3 इंच का बनता है 7.6 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हमारा इसकी हेडर है, हेडर होता है हमारा 4.5 इंच। और इसको अगर हम सेंटीज में कन्वर्ट करें तो ये आता है 11.4 सेंटीमीटर। ये फार्मूला आप याद रखें, आपको कभी भी परेशानी, सिर्फ सिंपल ये याद करना है जब भी आपने इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो या सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना हो, तो ये आपको सिर्फ एक बेसिक ही याद कर लें। तो ये हमारा हो गया नॉन मॉडुलर। और चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे इलाके में ब्रिक्स वगैरह जो अवेलेबल हैं वो
हम किस साइज में मिलती है। तो ये मेरे पास एक ब्रिक है, इसको हम जो है इसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो इसकी पैमाइश जो है ये हम देखते हैं मेजरमेंट टेप के साथ। तो ये अभी आप ये देखें कि ये तकरीबन 9 इंच से थोड़ी सी कम है। अब ये जो इसका सांचा बना होगा वो पूरा होगा, लेकिन जब ये ब्रिक किलन में पकती है तो उससे जो है ये श्रिंक होती है, तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसी तरह हम अगर इसका ये स्ट्रेचर हो गया, ये हेडर हो गया, हेडर को अगर देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन 4 इंच से 4.5 इंच से थोड़ा सा कम है ये। तो इसी तरह अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो ये थिकनेस आपको ये 3 इंच के से थोड़ी सी मामूली सी कम है। तो ये हमारा जो है ये ब्रिक का साइज है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के में। मैं ब्रिक्स के ऊपर इंशाल्लाह 2 वीडियोस और लेके आऊँगा जिसमें आपको ब्रिक्स के बारे में बेसिक जनरल जो है नॉलेज वो आपको मिलेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।